ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम देखिए क्या है, बताए थे एक वर्ड बताए थे आप लोग को कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी कहा किसको कहा जाता है, इकोलॉजी में कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जब विभिन्न प्रजाति के जीव, डिफरेंट स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह एक स्थान पर रह रहे हो तो वह किनका निर्माण करते हैं, कम्युनिटी या प्रजाति का निर्माण करते हैं। ठीक है, बताए थे कम्युनिटी आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है, एनिमल कम्युनिटी और क्या होता है प्लांट कम्युनिटी, यानी कि जंतु समुदाय और पादप समुदाय होता है। जब अलग अलग जंतुओं के प्रजाति यानी कि अलग अलग प्रजाति जंतु के एक जगह निवास करते हैं तो वह किसका निर्माण करते हैं, एनिमल कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। और जब अलग अलग पौधों का प्रजाति अगर एक जगह निवास कर रहे हैं तो उसको किसका निर्माण करते हैं, प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और हम बताएं कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जीव आइसोलेशन में अकेला कभी नहीं रह सकता है, उसको जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है, जुड़ाव करना पड़ता है, और साथ ही अपने एबायोटिक फैक्टर, अजैव कारक, हवा, पानी, मृदा, इन सब के साथ भी क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है, तभी यह सर्वाइव कर पाएगा, तभी यह जीवित रह पाएगा। तो जब कोई बायोटिक कम्युनिटी, जब कोई जैव समुदाय अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, भौतिक वातावरण के साथ इंटरैक्ट करके, जुड़ाव करके सर्वाइव करता है तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है, अगर सिंपल इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो यह बायोस्फीयर का बेसिक यूनिट होता है, मूल इकाई होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। यह बायोस्फीयर का क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, जिसमें बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैव समुदाय जो होता है अपने भौतिक वातावरण के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, जुड़ाव करता है। ठीक है, तो अगर इकोसिस्टम कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, यह बायोस्फीयर का क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, जिसमें क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्ट्स विथ फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें जैव समुदाय जो होता है अपने भौतिक वातावरण के साथ क्या करता है, जुड़ाव करता है। और जब तक यह जैव वातावरण के साथ जुड़ाव नहीं करेगा यह जीवित नहीं रह सकता। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक बायोटिक कम्युनिटी है, इधर दूसरा क्या है, बायोटिक कम्युनिटी है, ये इन दोनों का क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक क्या है, वातावरण है। तो एक बायोटिक कम्युनिटी दूसरे के साथ क्या करता है, जुड़ाव करता है, साथ ही ये क्या करते हैं, अपने भौतिक वातावरण के साथ भी क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। यही आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, इकोसिस्टम के अंतर्गत, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहां मान लेते हैं एनिमल कम्युनिटी है, जंतु समुदाय है, इधर आपका क्या है, प्लांट कम्युनिटी है, पादप समुदाय है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरैक्ट करेंगे, साथ ही ये भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। यही किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपको इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग
इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है, खुला प्रणाली होता है। देख यह भी क्वेश्चन बनता है कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कैसा सिस्टम है, कैसा प्रणाली है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यह क्या है, ओपन सिस्टम है, खुला प्रणाली। अब हम लोग को देखना है कि ओपन सिस्टम है क्या, खुला प्रणाली किसको कहते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में क्या किया गया है, दो पार्ट में, एक मिनट बंद, देखिए यूनिवर्स को हम लोग, ब्रह्मांड को दो पार्ट में बांटा गया है, एक को कहा जाता है सिस्टम और दूसरे को क्या कहा जाता है, सराउंडिंग। एक को हम लोग कहते हैं सिस्टम और दूसरे को क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम है क्या, तो थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है कि ब्रह्मांड का वैसा भाग जो विचाराधीन हो, जिस पे हम लोग विचार कर रहे हो, जिस पे हम लोग देख रहे हैं, वह क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। जैसे अभी सभी लोग, आप लोग बोर्ड पे फोकस है, तो आपके लिए बोर्ड क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। इसको छोड़ के जो भी बच गया वह क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, यानी कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन, ब्रह्मांड का वैसा भाग जो विचाराधीन होता है उसको क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। और द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो भाग है वह क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, कॉपी पर पूरी तरह फोकस्ड है, तो कॉपी आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, और इसको छोड़ के जो भी बच गया वह आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम पूछ देगा तो कहेंगे ब्रह्मांड का वैसा भाग जो हमारे विचाराधीन होते हैं वह क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, और शेष भाग को क्या कहा जाता है, सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम के बारे में पूछ दे तो लिखिएगा, ब्रह्मांड का वैसा भाग जो विचाराधीन होते हैं, ब्रह्मांड का वैसा भाग जो विचाराधीन होते हैं उसे सिस्टम कहा जाता है, उसे सिस्टम कहा जाता है, जबकि ब्रह्मांड के शेष भाग को सराउंडिंग कहा जाता है। ब्रह्मांड के शेष भाग को सराउंडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग या तो रियल बाउंड्री या इमेजिनरी बाउंड्री के द्वारा क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, सिस्टम एवं सराउंडिंग वास्तविक घेरा या काल्पनिक घेरा द्वारा अलग हो सकते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी और मैटर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो चीज का आदान प्रदान होगा, दो चीज का एक्सचेंज होगा। पहला, ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, एनर्जी का आदान प्रदान कर सकते हैं, नहीं तो मैटर यानी कि पदार्थ का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो लिखिएगा, पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान सिस्टम एवं सराउंडिंग के बीच हो सकता है। पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान सिस्टम एवं सराउंडिंग के बीच हो सकता है।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो हम बताएं फिर से एक बार रिपीट कर दे कि यूनिवर्स ब्रह्मांड को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक को क्या कहा जाता है सिस्टम कहा जाता है और दूसरे को क्या कहते हैं सराउंडिंग कहते हैं। हम बताएं कि ब्रह्मांड का वैसा भाग जो विचाराधीन हो, जो कंसिडरेशन में हो, उसको क्या कहा जाता है सिस्टम कहा जाता है, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ब्रह्मांड के शेष भाग को हम लोग क्या कहेंगे सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग की जो होगा या तो यह रियल बाउंड्री के द्वारा वास्तविक घेरा के द्वारा अलग होगा या इमेजनरी बाउंड्री। हमारे और आपके बीच में कोई बाउंड्री नहीं, कोई घेरा नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के बीच में क्या है एक इमेजनरी क्या है बाउंड्री है, काल्पनिक क्या है घेरा है। कोई दिक्कत है यहां तक? दो रूम एक दूसरे से सेपरेटेड है, अगर यह हॉल को हम लोग क्या मान लेते हैं सिस्टम मान ले, तो बगल वाला हॉल हमारे लिए क्या हो जाएगा सराउंडिंग हो जाएगा, और दोनों के बीच में यह जो दीवार है यह किसका काम करेगा बाउंड्री का काम करेगा। लेकिन यह बाउंड्री यहां पर आपका क्या होगा रियल बाउंड्री होगा, वास्तविक घेरा होगा। तो हम कह सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग में भी सेपरेटेड बाय इधर रियल बाउंड्री और इमेजनरी बाउंड्री, या तो वास्तविक घेरा के द्वारा यह अलग हो सकता है या काल्पनिक घेरा के द्वारा क्या हो सकता है अलग हो सकता है। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो चीज का एक्सचेंज हमेशा होता है, एक मैटर का और दूसरा इनर्जी का, और इसको छोड़ के ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड में दो ही चीज है ही, या तो मैटर है नहीं तो एनर्जी है। तो एनर्जी एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, प्रणाली और निकाय के बीच में ऊर्जा एवं पदार्थ का क्या हो सकता है आदान प्रदान हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम का टाइप, देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम का टाइप देखते हैं, सिस्टम का प्रकार देखते हैं। तो पहला जो प्रकार है, पहला जो है यह आपका होता है ओपन सिस्टम, खुला प्रणाली। अब ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? तभी जस्ट हम लोग चर्चा किए कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या चीज का एक्सचेंज होगा एनर्जी और मैटर का। तो वैसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है वह आपका क्या कहलाता है ओपन सिस्टम या खुला प्रणाली कहलाता है। अभी एक कप चाय हम लोग ले आते हैं, सपोज कीजिए एक कप चाय ले आए, ठीक है, तो अब यह चाय क्या होगा इसमें से आपका एनर्जी भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है, इसमें से आपका ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है, और साथ साथ जो वाष्प है वेपर है वह भी बाहर क्या हो रहा है निकल रहा है। तो जो ऊष्मा निकल रहा है वह आपका क्या हो गया एनर्जी हो गया, ऊर्जा हो गया, और जो वाष्प बाहर निकला वह आपका क्या है मैटर है यानी कि पदार्थ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो एक कप चाय जो है वह अपने सराउंडिंग के साथ दोनों चीज का आदान प्रदान कर रहा है, एक तो एनर्जी का भी आदान प्रदान कर रहा है और दूसरा किसका कर रहा है मैटर यानी कि पदार्थ का भी कर रहा है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि वैसा प्रणाली वैसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है ओपन सिस्टम कहा जाता है। बेसिक ध्यान के लिए करने के लिए हम लोग क्या रखेंगे एक कप चाय, वह देखिएगा बाहर आपको एनर्जी भी लिबरेट कर रहा है और दूसरा साथ साथ क्या कर रहा है वेपर के रूप में मैटर को भी क्या कर रहा है लिबरेट कर रहा है। तो यह आपका किस में आ जाएगा ओपन सिस्टम। वैसे याद रखिएगा जितने भी लिविंग सिस्टम है जितने भी सजीव हैं सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ओपन सिस्टम खुला प्रणाली के उदाहरण होते हैं। हम लोग हैं, हम लोग अपने सराउंडिंग के साथ से क्या करते हैं एनर्जी लेते हैं मैटर लेते हैं, इवन साथ साथ हम लोग भी क्या करते हैं अपने सराउंडिंग को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं अफेक्ट करते हैं। तो हम सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ओपन सिस्टम के। तो इससे पहले हम एक टर्म बताएं कि इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह क्या होता है आपका एक खुला प्रणाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि इकोसिस्टम में जो भी बायोटिक कम्युनिटी होते हैं जैव समुदाय होते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट भौतिक वातावरण के साथ क्या करते हैं एनर्जी और मैटर का क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं। डैट्स वाई इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। तो पूछ देगा पारिस्थितिकी तंत्र खुला प्रणाली कैसे होता है? तो हम कह सकते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी एक्सचेंजेज मैटर एंड एनर्जी विथ इट्स फिजिकल environment, that's why it is an example of open system। चूंकि यह भौतिक वातावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह ओपन सिस्टम होता है, खुला प्रणाली होता है। तो इसके बारे में लिखिएगा वैसा प्रणाली जो सराउंडिंग के साथ
वैसा प्रणाली जो सराउंडिंग के साथ पदार्थ एवं ऊर्जा का वैसा प्रणाली जो सराउंडिंग के साथ पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान करता है उसे खुला प्रणाली कहा जाता है ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब सेकंड हम लोग देखते हैं क्लोज सिस्टम, बंद प्रणाली। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि ऊर्जा का आदान प्रदान तो करेगा लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करेगा। वैसा सिस्टम जो एनर्जी का एक्सचेंज करता हो बट मैटर का एक्सचेंज नहीं करता हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोज सिस्टम। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, जब चाय लेके आते हैं और जिनको चाय देना है वो नहीं है अभी, तो क्या करते हैं? चाय को ऊपर से क्या करते हैं? ढक देते हैं। ठीक है, तो चाय को ऊपर से ढकते हैं तो क्या एनर्जी नहीं निकलता है? ऊर्जा तो निकलते ही रहेगा, हीट तो निकलते ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर से जो वेपर निकल रहा था, वाष्प जो निकल रहा था, वह बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अगर हम कप को ढक देते हैं तो वेपर जो है, पदार्थ जो है, वह बाहर नहीं निकलेगा, बट एनर्जी हीट के रूप में हमेशा बाहर क्या होते रहेगा? निकलते रहेगा। तो वह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्लोज सिस्टम का। तो क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा प्रणाली जो क्या करता हो, ऊर्जा का आदान प्रदान तो करता हो परंतु पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। द सिस्टम दैट एक्सचेंजेज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो लिखिएगा, वैसा प्रणाली जो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है परंतु पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है, उसे बंद प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट मतलब अकेला। यहां आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा कि वैसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना ही तो एनर्जी ऊर्जा का आदान प्रदान करे और ना ही तो मैटर पदार्थ का आदान प्रदान करे, उसको क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा संभव है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। अगर हम थर्मस फ्लास्क में चाय को रखें तो क्या होगा कि भाई एनर्जी भी बाहर नहीं निकलेगा और मैटर भी बाहर नहीं निकलेगा। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल अगर कंसिडरेशन करें तो वैसा प्रणाली जो वातावरण के साथ सराउंडिंग के साथ ना ही तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और ना ही तो पदार्थ का आदान प्रदान करे, उसको क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिखिएगा, वैसा प्रणाली जो ना ही तो ऊर्जा का ना ही पदार्थ का आदान प्रदान करता है उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो
इकोसिस्टम जो बताएं वह क्या था, ओपन सिस्टम था। तो यह तो क्लियर हो गया कि इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र को खुला प्रणाली हम लोग क्यों कहते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का प्रकार देखते हैं। पहला तो इकोसिस्टम को दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं बेसिक अगर देखें तो। एक तो क्या हो जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और मानव निर्मित प्राकृतिक ये पारिस्थितिक तंत्र है क्या नॉर्मल, आप तो इसको डेफिनेशन बताना भी नहीं, नॉर्मल सी बात है। जो वन है, फॉरेस्ट है, लेक है, सी है, रिवर है, या किसके अंतर्गत आ जाएंगे, नेचुरल इकोसिस्टम के। आर्टिफिशियल हम लोग क्या करते हैं, घर के पीछे गार्डन बगीचा बना लेते हैं, छत पे क्या करते हैं, गार्डन बना लेते हैं, वह सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा इकोसिस्टम जो क्या है, नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तौर पर क्या है, आपको मौजूद है, ठीक है, यह क्या कहलाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम, जिसके अंतर्गत इसका एग्जांपल अगर देखें, उदाहरण अगर देखें, तो एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, वन, लेक, झील, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स। यह किस में आ जाएगा, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में। आर्टिफिशियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनमेड गार्डन जो है, मानव निर्मित जो बगीचा सब है, यह सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इकोसिस्टम को दो और टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इकोसिस्टम को दो और प्रकार में बांट सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अवधि के आधार पर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को दो और भाग में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वी कैन क्लासिफाई इकोसिस्टम इनटू टू मोर कैटेगरीज, दैट इज टेम्पररी इकोसिस्टम, टेम्पररी इकोसिस्टम, एंड सेकेंड वन इज परमानेंट इकोसिस्टम, अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र। अब क्या है, टेम्पररी इकोसिस्टम और परमानेंट इकोसिस्टम क्या है, इस पर देखते हैं हम लोग। देखिएगा, मानसून के सीजन में कोई गड्ढा है, वो भर गया, उस पर जलकुंभी लग जाता है, मेढक सब रहने लगा, अलग अलग जीव रहने लगे, वह भी एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, बट कब तक के लिए, जब तक मानसून है, धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कम अवधि के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, देन डैट इज कॉल्ड टेम्पररी इकोसिस्टम। जो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मानसून के दौरान क्या होगा, मतलब गड्ढा भर जाना, उसमें अलग अलग जीव जंतु का निवास होने लगना, वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, टेम्पररी इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। परमानेंट तो नाम से ही क्लियर है, यह अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र है। अस्थाई कहने का मतलब क्या है, यह लॉन्ग ड्यूर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या, थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, बट वह क्या रहेगा, परमानेंट नेचर का ही रहेगा। तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपको परमानेंट इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर देखिए, आकार के आधार पर देखिए, तो एक होता है माइक्रो इकोसिस्टम और दूसरा होता है मैक्रो इकोसिस्टम। अब यहां पे दो टर्म्स है मेरे पास, एक है माइक्रो MICRO, दूसरा है MACRO, मैक्रो।
यह मैक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मींस क्या होगा सूक्ष्म यानी कि छोटा, यह मैक्रो मींस क्या हो जाएगा बड़ा। वैसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसका आकार छोटा हो वह क्या कहलाएगा माइक्रो इकोसिस्टम। वैसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका आकार क्या होता हो बड़ा होता हो उसको मैक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं गमला में फूल लगाते हैं, वहाँ भी देखिएगा अलगी आ जाएगा, उसके मिट्टी पर क्या आ जाएगा सैवाल आ जाएगा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, तो वह गमला भी कभी कभी इकोसिस्टम की तरह क्या करने लगेगा काम करने लगेगा, तो दैट इज माइक्रो इकोसिस्टम। फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, दीज आर मैक्रो इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखिए हम आपका जो इकोसिस्टम का टाइप बताएं, पहला बताएं नेचुरल मैनमेड, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन अवधि के आधार पर क्या बताएं टेम्पररी, फिर परमानेंट अस्थाई और दूसरा अस्थाई, ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या हो जाएगा माइक्रो इकोसिस्टम और क्या हो जाएगा मैक्रो इकोसिस्टम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।